यू नो वो बिजी है दिलवाले के साथ, वो बिजी है इसलिए वो आज यहाँ पे हमारे साथ नहीं है। उनकी एनर्जी को मैं और हेलो, रेमो सब बहुत मिस कर रहे हैं। तो वरुण, वी आर मिसिंग यू टुडे। यस, और बहुत ही स्पेशल रहा है हम सबके लिए, टीम ABCD2 के लिए, इंडियन स्टनर्स के लिए बहुत स्पेशल रहा है। मैं, रेमो सर, वरुण, रेमो सर्स वाइफ लिजेल, हम गेटी गए थे रिएक्शंस देखने। तो अमेजिंग, रेमो सर ने कहा कि चलो, यू नो रेमो सर और वरुण ने कहा कि चलो लेट्स गो, विल यू कम? सो आई सेड बिल्कुल मैं आना चाहूँगी। पहले कभी मैं गेटी नहीं गई हूँ, वो रिएक्शंस देखने कभी नहीं गई थी। और जो जिस तरीके के रिएक्शंस देखे हमने, हम गए लास्ट रूम में बैठे, और जब वो बबल्स का सीक्वेंस आता है, जैसे सारे लोग हंसते हैं, गणपति बापा मोरिया, जब मैं बोलती हूँ कैसे सब, बेसिकली क्राउड जो था बहुत बहुत इंजॉय कर रहा बहुत था, बहुत फिल्म को, ABCD2 को इतना सब इंजॉय कर रहे थे। तो वो देख के बहुत बहुत मज़ा आया। जो हमारे डांसिंग स्टार्स हैं फिल्म के, राघव, सुशांत, धर्मेश, पुनीत, सब सारे सारे जो स्टार्स हैं, लॉरेन, सबके लिए इतनी तालियां बजी, सीटियां बज रही थी। तो वो देख के बहुत, मतलब बहुत अच्छा हैरो, मज़ा आ गया, जैसे हमने मज़े किए ऑन सेट। ऐसा लगा कि कुछ बनाया वो सफल हो गया एक्चुअली, जिसके लिए बनाया आप डायरेक्शन में अभी बिजी हैं और जी। रियलिटी शो कर नहीं रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपको जो फेम फैक्टर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा इस वजह से? जी मैं झलक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रियलिटी शो नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और एक नया शो कर रहा हूँ जो कि स्टार प्लस में आने वाला है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और उसका जो फॉर्मेट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो वाला कर रहा हूँ। और फिल्म तो खैर मैं डायरेक्ट कर ही रहा हूँ, और रियलिटी शो में भी देखेंगे आप मुझे लेकिन आप जरूर। खुद कोरियोग्राफर हैं ABCD2 तो, प्लीज, सॉरी, हाँ तो ABCD2 ही है मेनली ना, उसमें डांस होता है एक्चुअली। हाँ, मैं कह रहा था कि आप खुद कोरियोग्राफर है, तो आपको लगता है कि जो डांस मूवीज हैं उसमें ज्यादा आपका कमांड है, बशर्ते अगर कोई फ्यूजन आप इमोशनल मूवी बनाते हैं या कोई मेलो ड्रामा बनाते हैं, तो यू कैन नॉट वेल डायरेक्ट दैट काइंड ऑफ मूवी, ऐसा लगता कैन आई से समथिंग? या प्लीज। आई फील लाइक जब हम ABCD2 प्रमोट करे थे, जब लोगों ने ट्रेलर्स देखे, तो लोगों ने बहुत सारा डांस देखा और वो इंटरेस्टेड थे कि यार ये इंडियन स्टनर्स की जर्नी क्या है। तो लोग बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमारी फिल्म का जो पेट्रियोटिक एंगल है, इमोशंस है, जर्नीज है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ दैट पीपल हैव कनेक्टेड स्टोरी के साथ, बहुत लोगों ने कनेक्ट किया है कैरेक्टर्स के जर्नीज के साथ। विनोद हो या राघव हो या वर्नन हो या अपना डी हो, तो सब बहुत कनेक्ट कर रहे हैं जर्नीज के साथ। तो आई थिंक कि द वे दैट पीपल आर गिविंग आर फिल्म सो मच लव, यस, वो बहुत ही कमाल का है। पर सर, इफ यू वांट टू बट से, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। शायद आपने मेरी पहली फिल्म नहीं देखी है इसलिए ये सवाल किया है, क्योंकि मेरी पहली फिल्म डांस फिल्म नहीं थी, यस, एजुकेशनल फिल्म थी। नो दैट आई नो, बट आई हाँ एम थिंकिंग यू हैव गुड कमांड ओवर डांस फिल्म, जी, दैट वाज नहीं ऐसा नहीं है, अगर गुड कमांड होती तो शायद मैं पहली वो फिल्म करता, मैं डांस राइट। फिल्म करता, लेकिन मैंने डांस फिल्म नहीं की, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि अरे कोरियोग्राफर है तो डांस फिल्म तो कर ही लेगा ये। अच्छा, तो इसलिए मैंने पहली फिल्म वो की जो बिल्कुल डांस का लेना देना नहीं था उसमें, और वो फिल्म चली, थैंक यू ऑडियंस। और ये दो फिल्म भी चली है सिर्फ डांस की वजह से नहीं चली है, फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी, लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो ही चली है, एग्जैक्टली नहीं तो एग्जैक्टली कोई फिल्म सिर्फ डांस पे नहीं चलती है। लेकिन एब्सोल्युटली, रिमो कलेक्शन से कितने खुश हैं आप? फिल्म मैं बहुत, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, आपको अंदाज़ा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। मैं इनफैक्ट पूरी टीम इतनी खुश है कि जिस तरीके से कलेक्शन है, मेरे प्रोड्यूसर बहुत खुश हैं, एक्टर्स मेरे बहुत खुश हैं, मेरी पूरी टीम खुश है, एंड आई एम लाइक रियली वेरी हैप्पी। हम रिमो, सब उछल रहे, खुशी से और उछल रहे। इस फिल्म से पहले श्रद्धा और वरुण बड़े स्टार्स हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं जी उनको आपने मौका दिया, तो वो कितना आपको एक मतलब तसल्ली मिलता है कि क्योंकि आप एक गॉडफादर, एक मेंटोर बने उन लोगों के लिए? जी बहुत बहुत तसल्ली मिलती है। मैं किसी का गॉडफादर, किसी का मेंटोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक राह दिखाता हूँ उन लोगों को जो टैलेंटेड हैं, उनको एक राह दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसमें वो उनकी मेहनत दिखती है और जिस तरीके से उन लोगों ने मेहनत की है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाहर आके लोग बोलते हैं कि यार वरुण और श्रद्धा तो ठीक थे, लेकिन मुझे पुनीत बहुत पसंद आया, मुझे धर्मेश बहुत पसंद आया, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। लाइक एक बाप को जब खुशी मिलती है कि उनके सारे बच्चों की तारीफ होती है, तो वैसी खुशी मिलती और है। रेमो सर के पास कितने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे और मैं और वरुण न्यूएस्ट बच्चे यस हैं। सही है, मेरे दो नए लास्ट बच्चे। क्वेश्चन,
रिमो, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें या फिर ABCD2 का कोई फ्रेंचाइजी कुछ आगे? फिलहाल मैं ABCD2 जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसी में बहुत खुश हूँ और उसी में थोड़े दिन रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जिन्होंने 2D देखी है वो जाके वापस 3D में देखें और जिन्होंने 3D देखी है वो वापस जाके 2D में देखें। सो जितना आप प्यार देंगे उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं इसके फ्रेंचाइज बनाता रहूँगा। ABCD3 भी आएगी, ABCD4 भी आएगी। यस यस सर, बॉल आपके कोर्ट में है, आप डिसाइड करने आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर आज रेमो सर आज रात को एक्चुअली जा रहे हैं दिलवाले के शूट के लिए वरुण के साथ। मैं चाहती हूँ कि ये नहीं जाए क्योंकि ABCD2 के लिए हमने एक महीने के लिए प्रमोट किया, तो बहुत अजीब लग रहा है कि एक तो वरुण यहाँ पे नहीं है, अब रेमो सर और वरुण दोनों। एक्चुअली मैं और वरुण वहाँ पे, तो आई थिंक यू शुड आल्सो, आई थिंक इवन आई शुड कम। या दिलवाले में एक न्यू एंट्री। थैंक यू सो मच एंड ऑल द संतोष कम लाइट है। हाँ लाइट है। You are one of the best director, producer, anchor as well in the industry.